कल जैसे बताया कि सत्य है वही है अपनी जगह हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके बारे में हम कोई भी उपमा वर्णन नहीं दे सकते, नहीं इसको हम बदल सकते। और उसकी बात ये है कि इस मानव के बना में हम उस सत्य को जान रहे हैं। यह तो मानना चाहिए कि सारे अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है और उससे कुछ तो फायदा भी किया है, किंतु उसके साथ ही साथ एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, प्लास्टिक के बाहर तैयार कर प्लास्टिक रूप में जो कुछ भी हुआ वो इस तरह सीमा से बाहर काम गया कि आप जानते हैं कि कलकत्ता शहर में भी इसका अलग प्रदूषण। ये जब होने का कारण ऐसा है कि मनुष्य अपना संतुलन खो बैठे, वो ये नहीं जानता है कि कितने दूर जाना है और कहां उसे रोकना है। इस वजह से जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बाद में किसी पर भी करता है। मानव की सारी चेतना जो आज हमें प्राप्त ही है, ये हमारे क्रांति में हमारे एवोल्यूशन में हमें सहज नहीं है। हमने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया कि इससे हम मानव बने, सहज में ही आपने इसे प्राप्त किया। जो चीज आपने सहज में प्राप्त की है वो बड़ी ऊंची श्रेष्ठ चीज कि आप मानव हैं और इस मानव की वजह से परमात्मा ने आप पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है कि आप चाहे तो स्वर्ग की ओर जाए और चाहे तो नरक की ओर जाए। अब आजकल के जमाने में परमात्मा का नाम लेना भी लोग सोचते हैं बात, लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ये बहुत अशास्त्रीय है कि बगैर परमात्मा की खोज के बगैर ही अगर हम कहें परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने एक तरह से धारणा को बना लिया है और उसी के हम जमे बैठे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा है, इतना ही नहीं कि तुम चारों ओर उनकी ये प्रेम की सृष्टि है, ये परम चैतन्य स्वरूप चारों तरफ फैले हैं। आज हम देखते हैं ये फूलों को सृष्टि की करामात देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरह से ये पृथ्वी माता इस तरह से तरह तरह के पेड़ फूल इनको बन पाते हैं और फिर आगे जाकर के अगर हम अपनी ही और तो देखिए कि हमारे एक आम हमारी नाम ये सब कुछ हमारे शरीर यष्टि ये कितनी चमत्कार पूर्ण है। अगर ये सिर्फ एक अभिवासी बनी है तो किसी भी कायदे से आज इंसान नहीं बन सकता था इतने थोड़े समय में एक अभिवासी इतने सारे इंसान संसार में बन सकते। बहुत सी चीजों का साइंस में गलत ही नहीं और वो बहुत प्रामाणिक इस मामले में है कि जो कुछ वो देखते हैं और बाह्य दृष्टि से पाते हैं वही उनके लिए सत्य है। लेकिन हमारे अंदर कुछ है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे हम इस उत्क्रांति को प्राप्त हुए ये वो नहीं जा सकते, वो ये नहीं बता सकते कि ये इवोल्यूशन ये उत्क्रांति कैसे, इसका कोई भी उनके पास आप विवरण नहीं पाए। उसे पूछे कि एक बीज कर हम जमीन में बोते हैं तो ये बताइए कि सहज वो बीज कैसे पनप जाता है और क्यों कर पनपता है,
और जिस बीच को बोते हैं उसी का पौधा उसे निकल रहा है और एक ही हद तक अपनी सीमा में ही रहना है और उसी बीच के अंदर या सारे ही बीजों का नक्शा है जो उपाधि बनाना है। इतना बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है लेकिन हम जीवित कार्य को और देखना ही नहीं चाहते क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये सारा कार्य ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि चल रही है। ये सारी प्रेम की सृष्टि इस कार्य में वही सारा जीवित कार्य करे वही हमारे हृदय में चल रहा है। अब हम जो भी आपसे कह रहे हैं उसको आप सोचेंगे हम कुछ तथा कह रहे हैं इसको बात इसे एक धारणा समझना चाहिए हाइपोथेसिस समझना चाहिए और जब हम इसे सिद्ध कर रहे हैं तो फिर आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे अंदर है। पहले तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नाराज हम इंसान हम किसी योग्य हम कुछ कर ही नहीं है। इस तरह से पहले ही से हम अपने तरफ सोचते हैं कि भाई आखिर हम तो क्या कहें दूसरे तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नसीब नसीब कुछ नहीं है और या भगवान वगैरह कुछ नहीं है सिर्फ जो हम करेंगे सो करेंगे। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के बल पर डूब रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो गलत गलत संतोष पा रहे थे हमने जो पा लिया था किंतु ऐसे भी लोग हैं जो साधक जो संतुष्ट हैं और जो सोचते हैं कि इसके अलावा कोई लोग कोई मार्ग नहीं होगा। आज संसार में कितने भी प्रश्न हमारे सामने हैं चाहे गरीबी के हो चाहे आपके पेंशन की हो किसी भी चीज हो इसका कारण मनुष्य मानव ने ही सब गड़बड़ कर तो मानव की यही गड़बड़ है इसे ठीक करने के लिए अगर मानव ही परिवर्तित हो जाए उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए उसे में परिवर्तन हो जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो जाए। इसीलिए कहा गया है सब शास्त्रों में कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें पर आजकल के जमाने में लोग कुछ शास्त्र को पढ़ते हैं कुछ न कुछ उठ पटाख वाले लोग जो बताते हैं वो सोचते हैं जैसे कानकार ने कहा है कार्य विवरण को जब जाए कहना आपा जी ने लिखे जब तक उत्पाद जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जा सकता। इसने नहीं कहा सब ने यही बात ईसा मसीह ने कहा यू आर टू बॉर्न अगेन तो बस उन्होंने पट्टी लगाई है वी आर बॉर्न अगेन सोचने लगे कि वाह हमने पट्टी लगाई है ऐसे पट्टी लगाने से आप बॉर्न अगेन नहीं होते जो आदमी ब्रह्मों को जान लिया जिसने ब्रह्मों को प्राप्त किया वही बुद्ध है। एकाद में अपने को कह दी कि हम बुद्ध हैं आप बुद्ध नहीं हो किसी भी तरह की धारणा में नहीं करते या विचार में रखने से आप उसे प्राप्त हो ये चीज अंदर से होने की है और वो होनी बहुत आसान है बहुत सरल है बहुत सरल है। इसका कारण यह है कि नाम का आवश्यक जैसे हमारा श्वास लेना नितांत आवश्यक है उसी प्रकार ये उपकरण का आखिरी कदम भी अत्यंत आवश्यक है और ये सब ये कर्म के घोर स्थिति में ही होने वाला है। इसी वक्त आप अपने सामने बैठे हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अभी आपको बताया गया इससे क्या क्या लाभ होते हैं जो कि आप बाह्य कर नहीं सकते हैं शारीरिक मानसिक बौद्धिक आपके लिए हर तरह से पूर्णतः आराम
इतना ही नहीं, इसके बाद आपके अंदर शक्ति आ जाती है, जिस शक्ति के कारण आप लोगों को भी ये शक्ति दे सकते, उनके भी आप रोग निवारण कर सकते, उनके भी मन को आप शांति दे सकते। हर तरह की आत्मा अपने आप छूट जाती है, घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, खेती बाड़ी में दस गुना ज्यादा टिकाऊ होता है, और घर के जो जानवर है वो भी बहुत बेहतरीन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करते और दस गुना ज्यादा दूध आते, ये तो कब प्रयोग करते। लेकिन इससे भी अगली बात जो मैं आपसे आज कहता हूं वो ये है कि आप आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके अंदर में आपके उंगलियों में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र कमजोर है। इसे साबुन की तरह कहेंगे कि आप अपने बारे में जानते ही हैं, व्यक्ति में तो आप जानते ही हैं और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या है। जरा ये समझें कि ये तकलीफें किस तरह से लगाई जाए, इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप किस तरह से चलाए मार करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, बस हो गए आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी। दूसरों का भी भला कर सकते, इसमें कोई नहीं और कोई आपकी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सहज सरल जब ये शक्ति मिल जाती है और आपको रहने लग जाती है तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं कहना ये हो रहा है, चल रहा है बंद। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे नहीं हो गया, आप इस आश्चर्य को कर जाते हैं। और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप को अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा से आप प्राप्त करते हैं कि इस आत्मा के प्रकाश में आप एक में वो एब्सोल्यूट ट्रुथ हो जाते हैं। आप सब जानते हैं हम आपके सामने खड़े हैं तो क्या आप आपसे देख रहे और आप हमें सुन रहे हैं अपनी बात, लेकिन आपकी जो धारणा है वो सही नहीं, आप एक चीज को मानते हैं दूसरा मानता है, आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त है तो दूसरा उसकी प्रणाली में घर में कहता है ये अच्छा है, जैसा कहता है ये घर मेरा अच्छा है, तीसरा कहता है ये घर मेरा अच्छा है, और सब सोचते मैं बड़ा अच्छा हूँ। हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं देती। इसका कारण यह है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं कि यह सत्य है या नहीं। इसके लिए तो हाथ से कैसे लड़कियां बननी चाहिए, तब आप फौरन पूछ सकते हैं कि सकते हैं या नहीं। आप अगर पूछा जाए तो पूछ सकते हैं क्या परमात्मा है, तेरे हाथ करके अगर आप पूछे तो आपके हाथ में आप देखिएगा ठंडी ठंडी लय लय चैतन्य जाएंगे और पहली मरतबा आप चैतन्य का एहसास इसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से तो आपके लिए एक बार कि आप पहले आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि इसी आत्मा के प्रकाश में आप सत्य को जान सकते,
हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे बिल्कुल सरल धारणा, क्योंकि ये कोई ऐसी बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि नहीं आई तो आप कैसे हमें पहचाने। तो ये दृष्टि आना जरूरी है, तब आप सत्य और असत्य हो जाएंगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मा के इसमें होती है कि आपका चित्त प्रकाशित, चित्त प्रकाशित हो जाने से आपको अपने गुण दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के गुण दिखाई देने लगते हैं, पर वो चक्रों पे दिखाई देते हैं। ये आगे में सफेद कपड़ा पहन रहे थे उषा कपड़ा, पर बहुत ही सूक्ष्म इन चक्रों में दिखाई देते। तो आप समझ जा सकते हैं क्या मेरे अंदर दोष है और क्या इस आदमी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति से कम के लिए शांति के बड़े और वे गर्म तबीयत के लोग हैं, वो मुझे आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति में लाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति दूर कर दीजिए, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाह रही, लेकिन सत्य ये है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी आप शांति कैसे फैलाएंगे। सहज आपके अंदर विचारों का संचार नहीं है, तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर डूब जाता है, दूसरा विचार होता है और डूब जाता है। यह विचार आपके भविष्य से और दूसरा विचार है, किंतु ये वर्तमान काल में आपको जानने आते हैं आपके विचार है। जब आपकी कुंडलिनी चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में जगह है जिसे विलंब, उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आपके विचार समाधि को प्राप्त है, ये आपको कहीं प्राप्ति होती है कि आपके विचार समाधि को प्राप्त हो। उसके बाद जो हमारा काल है ये खुल जा रहे हैं, हमारे अंदर ये बाहर की शक्ति अंदर रहने लगे, और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कहीं स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव होते हैं। सबसे जो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं, सब अर्थ माने जो हम महामानव है वो हम महामानव है, वो महामानव की स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ एक लीला की तरफ देखता है, एक नाटक की तरफ देखता है, उस पर इन सब चीजों का डर नहीं रहता। और जब भी आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब जाएंगे, लहरों से आप डर जाते हैं, पर दर्द आप नाव पर चढ़ते हैं आपको कोई डर नहीं है। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ते हैं, उसके बाद जब तुम्हारे लिए आपने तैरना सीखिए तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाए, आप साक्षी स्वरूप देखते हैं इन सब चीजों, और उसके बाद आप खुद ही एक पैरा हो जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं, आप अपने दिन को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हम एक किराड़ के अंगों पर चलते हैं, लेकिन ऐसा कहा ही जाता है, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि एक होता है माइकल पोर्टर और एक होता है माइकल पोर्टर, पर जब पूर्ण सागर हो जाए
जब बूंद सागर होता है तो फिर उसकी शुद्धता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी वैज्ञानिक है वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर रखा है। मैं कुछ नहीं करती, सच बात यह है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये बात है जिंदगी, वो सारे से गोलाकार व्यक्ति में आराम से आपकी वहां बैठी है इंतजार में कि वो दिन आए जिस दिन मैं अपने बच्चों को या बच्चे को पूरा कर। वो तो इतनी लालायित है और वो चाहती है कि किसी तरह से मैंने इस कार्य को संपन्न, लेकिन आशक हमारी दशा और आज वो समय आ गया है जब आपको सामूहिक तरीके से ये प्राप्त हो सकता है जिसे हम आत्म साक्षात्कार आत्मा के बारे में अनेक बार भी कही गई कि उसमें अनेक तरह के आनंद, आत्मा आनंद, परमा आनंद और निरा आनंद, यानी बिल्कुल आनंद ही आनंद है। उस आनंद और आनंद में इसका मतलब ये नहीं कि आप अक्षीय से मुंह बोलते हैं, पर आप अक्षीय से समझते हैं। जब तक आप नाव में नहीं बैठेंगे तब तक आप जो आपके प्रश्न है उनको देखिए तो उसका हल कहां निकलता है। जब आप उन सब प्रश्नों से बाहर निकल जाते हैं तब आप देख सकते हैं इसका हल क्या है और आप इसका हल निकाल। आज मेला ये युग बहुत महान है। आख्यान में लिखा था जब तुम नल को समय की बिछोना में और बहुत सुखी थी, एक दिन उन्हें कड़ी विद्यालय में उसको पकड़ लिया, मैं मैंने मार भी डाल दिया, तुम तेरे कारण लोग सम्राम हो जाते, तेरे कारण लोग हो जाते, तेरे कारण लोग शुभ हो जाते, तो मुझे तुझे मार भी डाल। उस वक्त उसने नर्स ने कहा चली है ठीक है, तू पहले मेरा महान जान लो कि मेरा क्या महत्व, उसके बाद तू मुझे मार। मेरा महत्व ये है जब मेरा युग आएगा तब जो लोग इन्हीं चक्करों में घूम रहे हैं और सत्य को खोज रहे हैं वो एक कर्मशाला है गृहस्थ में जन्म लेते हैं और उस कर्म में ही वो उस सत्य को प्राप्त करे। अब मुझे मानना हो तो उसने कहा कि कलयुग में क्यों होगा ये, क्योंकि कलयुग में ऐसी होगी कि मनुष्य की दृष्टि उठ होगी, वो सोचने लगेगा इन सब चीजों में से निकलने का कोई ना कोई मार्ग, वो मंदिरों में जाकर थक गया, मंदिरों में जाकर थक गया, वो पॉलिटिक्स में जाके थक गया और पूरा ब्राह्मण करके थक गया और अब कहेगा कि आखिर ये है क्या समझ। उस वक्त वो स्वागत करेगा, जब वो स्वागत करेगा तब सही है काम, ये बिल्कुल सही बात आदि मैंने बहुत सी भविष्यवाणी बताई, लेकिन ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं की करके मानना, ये तो एक बात आपको पता नहीं है कि ये जो परम चैतन्य है ये तटस्थ है, ये बिल्कुल तटस्थ है। आज मैं देखती हूँ मजाक कर कृत्य युग हो गया और ये कृत्य युग ने इस परम चैतन्य को भी बहुत जबरदस्त कार्यान्वित डायनामिक और ये परम चैतन्य इस कार्य हर पल हर
आपको अनुभव आएगा कि जैसे पूरी समय आपकी कोई मदद कर रहा है, पूरी समय कोई आपके पास ऐसा लगा होता है समझ नहीं आता मुझे अपने को भुलावे नहीं रहे और अपने साथ ईमानदारी करें। अगर ये सब चीज आपके के लिए है तो उसे क्यों न प्राप्त किया जाए, और अगर आपकी एक कुंडली है और आपकी माँ है अपनी युवती जो कि आपके बारे में जानती और जो लाला ये है कि आपको किसी तरह से आपके साक्षात्कार दे तो फिर क्यों नहीं इसे स्वीकार किया जाए और क्यों नहीं इसे मान लिया जाए। इसे संघर्षा करने की कौन सी बात है, आपसे कोई क्या पैसा मांग लिया, कोई आपको नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, कोई उस चीज को आप दे ही नहीं सकते क्योंकि ये इतनी अमूल्य चीज है कि जो लोग भगवान के नाम पे पैसा मांगते हैं उसे बहुत खबर लाभ है। परमात्मा को क्या बताया क्या पैसा समझता है क्या, कभी नहीं, ये तो हम लोगों ने बनाया परमात्मा का क्या बात है। पर हम लोग जो है अभी ऐसे संसारों में पड़ रहे हैं जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो सोचते हुए गाली समझ लेना नहीं परमात्मा ने जो हवा दी है उसके लिए हमने कभी पैसा दिया है, पर जब मनुष्य गलती करता है तो इस हवा के लिए ये सब मनुष्य की ही मांग है इसलिए हमको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मनुष्य की ये जो बातें हैं ये जितनी गुणदायी है उतनी ही आशापूर्ण भी है कि घर मनुष्य में परिवर्तन आ सकता है, सारे समाज का समाज सारा बंगदेश सारा हिंदुस्तान या कहिए तो सारा आपका विश्व ही घर परिवर्तित हो जाए। सब लोग परिवर्तित न हो लेकिन काफी तादाद लेकर परिवर्तित हो जाए तो दुनिया में क्योंकि एकदम आप निर्भर हो जाए एकदम आप समर्थ निर्भय हैं और आप पूरा रास्ता दिखाई देता है कि आपको कहाँ जाना है और आप मंजिल पे बहुत आसानी से पहुंच ये सब सुनने में आपको अजीब सी बात करनी होगी और सोचते हुए बड़ी चमत्कार किंतु ऐसी बात है ये सब बातें हैं और आज यही आपको आपके साक्षात्कार का सब जहां भी इससे बैठे हुए हैं सबको यह आपको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। ठीक आपको एक ही बड़ी बात है उसमें कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं तो ये चीज आपको जबरदस्ती नहीं जाती क्योंकि परमात्मा ने आपको जो स्वतंत्रता दी है उसका तो मान जाना ही नहीं। आप स्वतंत्रता में इस चीज की इच्छा है क्योंकि कुंडली जो है वो शुद्ध इच्छा है, बाकी की इच्छा आप जानते हैं कि आज एक इच्छा हुई चलिए हम घर बना फिर हम इसको फिर आपको उठ चलिए मतलब जो चीज जितनी उसे हम संतुष्ट होते नहीं और आप जानते हैं काम की सरकारी है ये वॉन्स आर नेवर सैचुरेटेड इन जर्नी तो कभी हम खत्म नहीं बनवा लेंगे कि क्या दूसरा इसका मतलब ये कि हमारी जो इच्छाएं हैं इसमें इच्छा बिल्कुल हमारी इच्छा की इच्छा नहीं है शुद्ध इच्छा एकमात्र चाहे उसके बारे में आप जाने या न जाने इस परम चैतन्य से हमें एक बार कारिता बताओ ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए जाने जाने यही शक्ति हमें हर जगह ले जाती है और हम इसको देखते हैं कोई पैसे में खोजता है कोई सत्ता में खोजता है कोई घर गृहस्थी में खोजता है और अंत में जानता है इन सब में वो आनंद फिर वो मुड़ता है और सोचता है किस जगह से परम आनंद मिल सकता है और वो जगह हमारे अंदर हमारे देश है किंतु सिर्फ इसके बारे में बोल लेते
हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो ईमानदार हो गए
ये आश्चर्य जो करते हैं कि ये बात की महाराज कहां से आ गए और प्रदेश के सहयोग इतने चरित्रवान हो गए किसी औरत के और नजर उठा के नहीं देखते, ये क्या चमत्कार है, ये तो देवभूत कर रहे हैं और आप सफल कर रहे हैं। मुझे आशा है आप लोग आज उस महान पद को काम कर रहे हैं जिसमें मेरा कुछ मेरा लेना है, मेरा कोई प्रकार का उपकार कोई बात अपने बच्चों के लिए कुछ करती है तो वो जिस प्रेम से करती है वो इसीलिए उसे प्रेम उस प्रेम ने कार्य जिसका लेना देना क्या बन सकता है, यही ना माँ चाहे कि मेरे बच्चे उससे भी बड़ी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा उससे भी ज्यादा प्रेम में होगा उससे भी ज्यादा करुणा में बन जाए सब तरह से खुशहाल और आनंद अपना जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा माँ क्या है और कुछ नहीं चाहते और ये देश जहाँ की माँ की पूजा होती है जहाँ पर खर्ची को माफ करके देखा जाता है इस देश में तो आपको समझ लेना चाहिए कि जहाँ माँ को लोग समझते भी नहीं उसका कोई महत्व भी नहीं ऐसे देश पर देश उन लोगों ने माँ को मान लिया है तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है कि इस योग भूमि में आप बैठे हुए आपकी परंपराएं हैं आपके चरित्र इतने उत्तीर्ण है आपके इतने बड़े बड़े चरित्रवान साधु संत दृष्टा हो गए और आप शून्य से प्राप्त करें और इससे बदल गए। उनकी बात यह है कि उन्होंने कभी भगवान का नाम भी सुना जैसे दर्शन वगैरह तो वो बड़े गहरे गए थे समझ में नहीं आता एक गांव दरिया से है वहां तो अनेक जगह हो रहा है पर एक गांव से दरिया से है यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा सुनिए कि 22,000 सुनियों की वहां पर गाड़िया में पाई और ये गहरे तो फिर इस देश में जहां पर हमने हमेशा सत्य की बात की जहां हमेशा आत्मा की बात की है और जहां से हमेशा परमात्मा की खोज की है ऐसे महान ये कार्य कितना महान बनाते हैं। मुझे पूरा आशा है कि हम लोग सब जागरूक होकर इस सत्य को प्राप्त करें। I'm a Hindu, I'm a Salman.
What is the difference between the Muslims and the Buddhists? Is there any difference in mind? Except one would put the clothes this way and another would put the clothes that way. One would shake the hair and another would not shake the hair. What is the basic difference in these people? I don't know. Somebody says we follow Buddha. But what is the enlightenment if you are God? Nothing. Buddha has said that the future Buddha has said, Bodhisattva, means you will become Buddha and you will be doing work with people. You will be doing kalya of others. That is Bodhisattva. What powers have you got when you are doing it? They say, I follow this guru, mother, I will see. Mama, why are you sick and why do you follow that? Better give up all the food. I would say them. You should have your free mind just now for that. Also, it is said that we must have a guru. Every sadhana thing we should have a guru. But you should be a sadguru. Somebody comes out of the jail and wears the kata and wears the bath. Everybody starts following. Even women meet the brothers and say, I'm Durga Mata, this, that, you could fall at the earth. I mean, it is absolutely brainless. Imagine Durga Mata coming in a mixer. I mean, imagine. Is it possible? All kinds of Sanskrita means that this Bengal is poor because of that this Kali Vidya and this useless guru. That's the reason the power to come. The day you remove this shackle from your mind and get your realization, you will think how you lose. I do not want to go into controversy or to tell you anything about anyone, because it's a very long list that I think. Best thing is you become your own guru. Why do you need a guru? You become your own guide. In the light that you create, you can guide yourself. You don't want to have any guru outside. But first I say that you can become your own guru. Also sometimes the Buddha business comes out of insecurities and fears. That why do you look after? Why? You should look after yourself. If you have decided on that I will stand on my legs, you will have your self-life. Don't have to decide on it. Just you have to surrender your ego a little bit. This ego is really standing in you. And the snake that you see here, let me show you the ego part. Tremendously yellow, like our sister. And this ego is the one that even covers the superego of our condition. And when it covers that, we are one. Hard work. Nobody can talk to them. They be convinced people. If you tell them something, just go into that and it comes back. But what is the use of such a head? If this head
It is just going to give us trouble. It is better to break the nothing and let all this nonsense out. It is very simple to see one. And don't believe these people will say that you are talking, you are horrible, you have done this thing, that thing, give me a cow and I save your mother in the heavens. We are all intelligent people at this, but all is at home for their intelligence. Once they are going to go abroad and everything is what a brilliant plan. But even the whole country is dominated by this. The idea that after all, you see, these are gurus and these are these people whom you must respect, who tell you that you are a father. Never respect a man who says such a horrible thing to you. Never. He means I'm your mother, and to me you are very dear. And I don't think anybody is a sinner here at all. Please believe me when I say that. And the way I love you, you have become yourself, and I am skeptical. Completely. You will know your own soul. You will know what you are. It's very simple to know yourself. And when this connection is established, like this instrument has to be connected to have the meaning in the same way, once you are connected to the meaning, you will know how glorious you are. Then you can, before that, do not have any difference. It is very important before we start the process of self-realization. That we don't have any evidence about this. Often, also, one has to be humble about it, that you have to have your self-realization. Like somebody comes to me with a revolver and says, Mother, give me my realization. The Kundalini is not what? Or how can I give you realization? If you just stick down there and make them one. See, she understands what to do. As certain nourishment is needed for stopping the thing, also for breaking the Kundalini, we have to know that in our own humble way. Christ has said that you have to become like small children when you want to enter in the kingdom of God. Means, tremendous things happen inside also. Your Muladhara Chakra just stops for its function completely. And this is very, very right. That means you become absolutely innocent at that time as a child. You get back your innocence. Whatever you have lost, you get it back. And that innocence is so pure, so beautiful. And such a person, even if he pays attention to someone, that can help the other person. Even at a task, it's sufficient. Because this love I'm talking about is a very powerful love. It doesn't want anything. It loves because it loves. We have never known the power of love. We know the power of hatred only. With some excuse, we find out how to hate each other.
mean, of course, the Indian people don't say like that, right? They say, I hate you. I mean, in India, some people like to say, Munakasava, we don't think that he's mad to do this. We don't even say things that we say. Munakasava. I suppose that's like that. This is our precious, we never say that. So this powerful love that is all around nourishes your chakra, nourishes you, and all the time it is growing. So the potential that you have to fight. And the potential, when it retreats, flower, you'll be amazed at yourself what you are. You are so pure in it, which are absolutely their one. Hari, that's Hari. I'm making the Hari star. By meeting Hari people. What are these people making Hari star there by giving? How can you make people Hari by giving? I can't understand. If you have to make the sari, clean it, you have to wash it, not to destroy it. This is what we have to do. And all over the world, this movement has started in a very deep way. And I'm sure all of you will take it up seriously. And go deep down into it and make all your powers express. Then you will know what powers you have. You don't have to do many things. Only we have meditation about 5 minutes in the morning, individually, and about 10 minutes in the evening. Now, how do you get your pleasure? You don't have to go to the Himalayas, stand on your head for 10 years, and 10 years on one foot, that's not enough. Nothing of it. What you have to do is a very simple thing, is that you have to come to the collective. This is very good. It is not individual. For individual, you have to suffer, you have to do this, nothing. Fasting is not allowed. If you want to fast for yourself, it's all right, but not for God. He doesn't want you to fast and suffer at all. Why should he ask you to suffer? He is God Almighty, He is your Father. If you want to show temper to your mother, He just goes into your food. Very simple. And then the mother just falls at your feet, Baba, I need to. Now you know this, all of you. It is a great thing for your mother is not weak. So there is no fasting, no suffering, nothing to be done, except that you have to come to the collective. Now as you know, we don't make money. So we don't have yearly palaces for you for meditation. But we have simple places where you have to come like ordinary. You may be late Radha or anything. But as it is now, whether you are a queen or a prime minister, you don't have to sit together and sleep together, do the Ramas together in the same way. We do not want to be in any way. To feel that you are something higher or you are going to a very big position, so you must get a special chair, that is not possible. We are all just the same in front of God. So you all have to come to Samadhi, to the collective, and the cleansing takes place automatically. In Sahaja Yoga, that's the compulsion that we have to come to this temple. There's another problem that Sahaja Yoga door is open to all of you. All kinds of people can come. Every type of person can come. We cannot afford to do anything for me. We cannot. But it is for you to achieve your own goal instead of looking at others, it's
my name, is my disease. Yes, God, well done, what have you? You just suffer yourself. Now, you don't have to protect others, but you have to protect yourself. And that's only possible because of the happening of the Kundalini, which I did. And when you are married, you are making something. And you go inside and see for yourself. Now, don't have doubts about yourself. I can see people have doubts that I may get married very soon. You will all get it, I promise. Now, don't have doubts at all. That's very important that you should have complete self-confidence with your birthright, and you will get your self-confidence. And the Paramachaitanya is called as Guru, as all pervading power of God's love, and also as Vishnu Parampraya by Parman. But my nature doesn't mean that you start shaking. No, 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 it doesn't mean that. These vibrations, if you are shaking, they stop your soul. It's a very cool, soothing, breeze-like feeling on the hand, which Adi Shankaracharya has described as Sarini Yavu Sarini Yavu. That is cool and true. In the Bible, it is called as the cool breeze of the Holy Ghost. All is there. Only we have to bring with it alive. But not just now. Just now, ekhi akshara premaka, paresho pandita. Let's have this. And then we talk about reading. And we worry that we don't fall asleep quite wrong. So I would request you, that's all. You should concentrate on your one point that I am going to get my personality. There is somebody, every man has said that he has felt the cool breeze that he likes it very much. The gentleman who was right about who they are listening, you are welcome. But what deep English was? Deep English. You are welcome to write me. I will be very happy. There is another gentleman who has not spent the whole thing while looking at it, and he says, Mother, please forgive me, you know, there's nothing to forgive. You have done this wrong. It's all right, there might be some objection, you will get it today. There's one gentleman, Hindi bole? Yes, bole, I can say bole, so my question bole, about the Marathi bole, it's a Bangla bole. English. English. कह रहे अंग्रेजी में सवाल आते हैं।
वैसे तो अंग्रेजी भाषा से रूप से समझाया नहीं जा सकता, मैंने कल बताया कि अंग्रेजी भाषा में स्पिरिट जो शब्द है वो आत्मा भी है, वो शराब भी है और वो भूत भी है। अंग्रेजी भाषा में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, उससे बदतर तो फ्रेंच भाषा है, उसे चेतना शब्द ही नहीं है। शराब के बारे में हजार चीजें लिखी हुई है, दुनिया भर में बेकार चीजों के बारे में हजार हजार शब्दों में, पर चेतना भी शब्द नहीं है, वे शब्द नहीं है। बताइए कई बार इतने शब्द में पता नहीं क्या समझते हैं। शराब पीकर से तुम भी और भी घोड़े से बैठ जाते, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं तो क्या बताऊ अपना, आज यहाँ पर कल वहां समझ ही नहीं आता है। कल सवेरे तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे, तो आप ऑस्ट्रेलिया आइए मुझे मिलने। आप अभी जा रही ना, दिस जेंटलमैन विल बी विथ यू इन आवर डिलीवर। वो ऐसे बच्चों के लिए जो आपके कारण मिल रहे हैं वो कारण आपके इन बच्चों के सलूशन जो है वो है सर। सर जो से बहुत से ऐसे बच्चे ठीक हो गए, इसलिए अगर आप वाकई में इन बच्चों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो सर जो की सारी प्रक्रिया आप सीखने समझिए और तब आप जानिए ना कि बहुत आसान है। और प्रश्न मेथड ऑफ मेडिटेशन, आपको ये मेडिटेशन के लिए कहाँ जाना है उसके बारे में बताएंगे, आप उसका लिख दीजिएगा। और वैसे भी उन्होंने लिखा हुआ है पेपर, बात ठीक है कि भूखे बगैर जरूरी होगा, मैं भजन करने को कहीं नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि आप सेल्फ रियलाइजेशन लीजिए, आप भूखे हैं तो भी हो जाए, आप भूखता हूं फिर आप उससे भी ले जाएंगे एकदम संतुष्ट। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। और सारी व्यवस्था करने वाले परमात्मा है, आप परमात्मा की गवर्नमेंट को नहीं जानते हैं, आपको तो इसी गवर्नमेंट की आदत पड़ी हुई है जहां की दूसरे रहना पड़ता है। हमारी दादी एक सर्वनाथ भगवान का ये एक साहब जा रहे थे भगवान से, अरे दादी के पीछे जैसे हो तो उनको एक साहब वो सर के बल खड़े थे, तो उनका भाई तुम भगवान से मिल जा रहे हो तो भगवान से कह रहा कि मैं रोज सर के बल खड़ा होता हूँ, उसकी मेहनत करता हूँ, इतना सूर्य नमस्कार करता हूँ, ये करता हूँ, तो मुझे कब करो। फिर रास्ते पर एक आदमी पड़ा हुआ, उसे कहा कि तुम जा रहे ना भगवान के पास, उसे कह देना कि मैं कैसे भूखा हूँ, मेरे खाने का इंतजाम करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई मैं दोनों बातें कह, वो भगवान के पास गए
जो उपवासा हो गया और बताने लगे क्या एक साबिता के सर के बल खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, हर करते हैं, कब से तो उससे मिलने की बात बता दी थी, उसे कब मिले थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा अच्छा उससे कहना भी और कोई भी मेहनत करो, लेकिन ये बहुत हैरान हो गया इतने वो चाहते हैं और ये मिला नहीं चाहते। उसके बाद आदमी के लिए इतनी परेशानी खा रहा है भगवान और जो सर्च बनता है उसके लिए कोई विचार नहीं तो उसकी शंका भगवान ने समझ कहना अच्छा तुम ऐसा करो जब तुम नीचे जाना तो दोनों से एक बात कहना कि मैं जब भगवान के पास गया था तो मैंने वहां देखा कि एक सुई के छेद में से भगवान ने एक सूट निकाल दिया और तब तुम देख लेना जरा। तो जब वो गया उससे पहले आदमी से मिला उससे कहा कि भाई क्या कहा भगवान ने, भगवान ने तुम ये कहा जब थोड़ी नॉलेज होगा अच्छा तो कभी तो मिलेंगे ना, कहे हाँ लेकिन तुम्हें इंतजार करो। अच्छा तुमने वहां देखा कहे मैं देखा कि एक छी के छेद में भगवान ने एक निकाल दिया। अब भगवान के पास हुआ तो मुझे बक्के मारे मुझे तो ऐसी बात में इंतजार नहीं होगा। अच्छा तो छी के लोग में से एक निकाल दे दूसरा आदमी मेरा एक सोचता उसे कभी पर खाने के लिए चल रहा हुआ अपने हाँ उसको मुझे अपने फिर नहीं सुनते कहा था सब खाई गया और तुमने मान लिया। अच्छा क्या देखा तुमने कि भगवान ने एक सुई के छेद में तो मुंह निकाल दिया बढ़िया उसके बाद उसे कहा अच्छा आश्चर्य की क्या बात है अरे वो भगवान है वो खूब तो क्या दुनिया में सारी चीजें निकाल दी विश्व का विश्व निकाल दे वो भगवान है क्या समझो वो सर्वव्यापी सर्व समर्थ परमात्मा है क्योंकि मेरा ही सोचता है उस सब विश्वास न पर। तो आज जो आदमी सबसे मन की बात कर रहा है उसके लिए मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि ये सब खत्म है। आप पहले अपने आत्मा को प्राप्त कर फिर बात एक बार उसके साम्राज्य में तो आज जब मुझे कोई बताता है कि मैं सहयोग कर रहा हूं दिमाग को मैं कहते मेरे तू कर ले कोई नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगी तुम्हारे रिश्तों में विश्वास के लोग से उतावट हो गया तुम अपने पर विश्वास नहीं करो तुम डॉक्टर पर विश्वास कर रहे हो तो आप कोई गलत काम करो ये तो कोई नहीं और सही बात है इसको डॉक्टर लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं माँ आपको कैसे कैसे बीमारियां ठीक हो जाएगी बाबा डॉक्टरों के लिए बहुत रही लोग बैठे हैं मैं तो सर्वसाधारण आदमी की बात हम वो लोग कभी नहीं आने वाले पॉलिटिशियंस कभी नहीं आने वाले ब्यूरोक्रेट कभी नहीं आने वाले जो लोग आएंगे वो सर्वसाधारण लोग हैं उनको कुछ नहीं जाते और बाकी ये लोग सब देते रहे पैसे डॉक्टरों अब हमें ना क्वेश्चन बहुत हो गए तो बात करते हैं हाँ आपको मेरा क्वेश्चन देने के लिए बहुत फिर आ गए फिर आ गए मैंने आपको बताया कि ये सवाल का जवाब देने के लिए समय क्यों बर्बाद किया जाए क्योंकि उससे कुछ ग्रेजुएशन तो नहीं होने वाला हाँ तत्क्षण हो सकता है तत्क्षण एवरीबडी रेडी जा वेरी मां वन मोर बाय अब कहिए आगे बाद में यहाँ बैठी हूँ जो आप लोग सब चले जाएंगे सब मैं जाऊँ
सब कोई सा भी सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा प्यार है, उसकी वजह से कोई तकलीफ देंगी ना समझिए। तो अब आप शांतिपूर्वक पहले आपका साक्षात्कार को प्राप्त करें। सबसे पहले इसके बारे में ये बताना है कि इसमें तीन शर्त है। कई शर्त भी मैंने आपको बता दी कि आपको पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस स्थिति को प्राप्त करूं। पूरी तरह सबको ये आत्मविश्वास होना चाहिए पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये कि मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, इस तरह के अपने तरफ जो न्यूनता के विचार हैं उनसे छूट पाए। इन विचारों से कोई भी फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा, क्योंकि उससे जहां कहीं निगम की फैसला शुद्धि चक्र ये पकड़ता है। और जब शुद्धि चक्र पकड़ जाता है तो आपको कोई तकलीफ की बीमारी हो जाती है, इससे अनजाना है। वही नहीं मन वैसे हो सकता है और आपके शरीर से जो कुछ भी ऑर्गन है वो सारे इसकी आलत में आ जाते हैं। तो कृपया आप मान लीजिए कि आप दोषी नहीं है, तीसरी शर्त ऐसी है कि आपको एक साथ सबको क्षमा करनी है, एक साथ क्षमा। इसका मतलब यह है कि आप क्षमा करना है किसे नहीं करना इसका भी विचार करते हुए फिर मैं अपने सबको एक साथ क्षमा करूँ। अब देखिए कि अगर आप किसी को क्षमा करें विचार कर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ दिमाग जमा कर सकते। पर जब आप किसी को क्षमा नहीं करते तब आप गलत हाथों में खेलते हैं। वो तो आराम से बहुत कर रहे हैं जिन्होंने तकलीफ दी और उसको अपने को तकलीफ दे रहे हैं। तो एक साथ सबको मैंने क्षमा कर दी ऐसा एक बार अपने मन में कर जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं और जो नीचे बैठे हैं वो अपने दूसरे निकाल और दोनों पैर जो जमीन पर बैठे हैं वो बढ़ जाते हैं, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग अलग, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दो सुंदरता की सर्वत सिस्टम है जो इनके एक दूसरे से अलग है। लेफ्ट साइड से हम इच्छा शक्ति है हमारे अंदर और राइट साइड से हमारे अंदर क्रिया है। अभी भी लोग इसकी चीज कर रहे हैं, कृपया आप दोषी नहीं है। अगर आपने अपने को दोषी ठहराया तो पूरा दिन यही उठ जाएगी ऊपर चली भी जाएगी, तो आप उसके को जजमेंट कर बता समझे ना। कृपया आप बिल्कुल दोषी नहीं है, ये समझ किसी भी चीज की आप देखिए। अरे भाई आप इंसान है, कोई गलती करेंगे तो इंसान ही है, तो भगवान को कहना पड़ता आपको भगवान को, लेकिन आप दोषी नहीं। अब आपका लेफ्ट हैंड जो है ये प्रतीक रूप में है और रखे इसका मतलब है कि आपको इच्छा है कि आपको आपको साक्षात्कार अपने दोस्त बिल्कुल आराम से सर जो होगा इसका पैर नीचे नहीं बैठे आराम से सब कुछ होता है। ये कुर्सी पर बैठे तो भी आगे अब जब गंगाई बह के आ गई यहाँ तब आप बस के जाएंगे यहाँ चाहे कुर्सी पर बैठो चाहे उस पर बैठो चाहे मेरे सर पर बैठो बात करो।
तो अपने प्रति एक प्रसन्न व्यक्ति बनते हैं, अपने ऊपर की नाराजगी हटा देते अपने क्षमा करने की प्रसन्न व्यक्ति बनते हैं। मैं सबसे आपसे समझा रही हूं आपकी गौरव होगा। अब देखना है आप इस तरह से आप कैसे देखे हो आराम नहीं और राइट हैंड से अपने चक्रों को लेफ्ट साइड पे आपको कार्य करना है। मैंने वो अभी मैं निकाल दू सबसे पहले हृदय के हाथ रखना होगा। ये तो बाद में आपको आंख बंद करके अंदर करना है तो पहले दिखा दीजिए हृदय के हाथ हृदय के अंदर आत्मा का प्रश्न परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप हमारे अंदर प्रकाश है। उसके बाद ये जानने लगेंगे कि आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आते ही उस प्रकाश में हमारा मार्गदर्शन तो हम ही अपने गुरु हो जाते अपने गाइड हो जाते अपने मार्ग आप इसी राइट हैंड को अब आप देखिए ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड से सब काम हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। इधर भी नहीं है बोलो साइड से करते आगे उतर रहे हैं ये गुरु तत्व का हमारे अंदर चक्र है जो महान सदगुरुओं ने हमारे लिए बनाया हुआ है जिसके अनुसार फिर अपना राइट हैंड के नीचे नीचे लेफ्ट हैंड में रखें। ये चक्र जो है शुद्ध विद्या का माने एक परम चैतन्य के जो कार्य है उस कार्य को उस तरह से किया जा रहा है इसकी विद्या आप किसी चक्र से जानते हैं जो आपके उंगलियों में बैठा है। ये शुद्ध विद्या है। एक तो कार्य विद्या तो आप जानते ही उसके विरोध इस शुद्ध विद्या को आप प्राप्त करें। अब फिर अपना हाथ ऊपर के हिस्से में रखें ऊपर के हिस्से में फिर अपने हृदय और फिर अपने गर्दन और कंधे के बीच के कोण के ऊपर रखें और अपने सर को राइट साइड में मोड़ लीजिए। अब ये चक्र मैंने आपको पहले बताया है जब आप कोशिश करके तो समझते हैं तो उससे होगा। अब कुछ कुछ लोग लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं राइट हैंड से करेंगे ना 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 सामने 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 करिए राइट अब आपको अपना राइट हैंड साथ में और अपने कपाल पर आ रखा है और सर को नीचे झुका के दोनों साइड में कपाल को दबाना है और यहां पर आपको एक साथ सबको क्षमा करना इसी चक्र का दूसरा हिस्सा पीछे ले सर के पीछे अब अपनी गर्दन पूरी तरह ऊपर यहां पर अपने
अपनी प्रज्ञा न देखते हुए किसी को दोष न देते हुए इस परम चैतन्य से अपने ही समाधान के लिए क्षमा मांगनी हो। अब आपकी चर्चा अब अपने हाथ को हथेली को पूरी तरह से तान तान और तान करके अपने हथेली के मध्य भाग को बराबर अपने तान को रखें जो एक मित्र की हथेली के रूप में बचपन में था वहां रख करके और गर्दन से पका अब उंगलियां बाहर की ओर से बची करता खूब दूर उससे बहुत अपनी उंगलियां का अच्छा दबाव आपके कालू पर है चमड़ी पर। अब अपने हाथ को धीरे धीरे घड़ी के काटे जैसे क्लॉक वाइज आप सात मात्रा तुम्हारी गर्दन से प्रेशर से हाथ को घुमाना नहीं है कि कमी हो या उस काली हाथ को आपको घुमाना है यहाँ बैठ करके और लोगों को जानना असल असल होगा इसलिए कृपया जिनको ये कार्य नहीं करना है वो अगर उसको कर जाए तो उसकी बड़ी मेहरबानी है और लोगों को बैठ करके देखने की रीति ठीक और उससे दूसरों को भी नुकसान हो सकता है इसलिए कृपया इन लोगों को ये करना नहीं वो कृपया चले बड़ी मेहरबानी। अब लेफ्ट हैंड आपने और आंख बंद कर ले और राइट हैंड अपने हृदय पर कुर्सी पर बैठे हुए लोग अपने दोनों पैर अलग अलग कोई मंत्र न कहे अगर गले में काली काली करना चाहता है या अगर कोई ऐसी पहनी हो जिससे कमर में या गर्दन पर दबाव हो उसे पीला कर पत्ता भी निकलना ऐसी कोई चीज हो उसे कृपया लगा अब उन्हें के हाथ रख करके आप एक बड़ा मजबूत दर्शन से तीन बार करें सीमा करें क्या मैं आत्मा हूं ये बड़ा मजबूत प्रश्न है आप तीन बार पूछो आप मुझे मां कहेंगे या चाहे श्री माता जी कहेंगे और तीन बार आप अपने मन में पूछे मां क्या मैं आत्मा हूं अब अपना मां आपको पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में ले जाना होगा और इस जगह दबाया जाए यहां पर दूसरा मूलभूत प्रश्न पूछना होगा तीन बार श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं यहां पर तीन बार आप अपने मन में प्रश्न करें श्री माता जी क्या मैं
मैंने पहले कहा कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा आदर करती हूँ और किसी भी तरह से मैं आप पर जबरदस्ती नहीं है, इसलिए आपको शुद्ध विद्या मांगनी होगी। कृपया राइट हैंड आप पेज के दूसरे हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें और यहां आप छह बार करें क्योंकि इस चक्र में छह कलियां हैं, इसलिए छह बार करें, छह पंक्तियां हैं। छह बार आप कहें श्री माता जी मुझे कृपया शुद्ध विद्या दें, श्री माता जी मुझे कृपया आप शुद्ध विद्या दें, छह बार कहना होगा। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मानते हैं ऐसे ही आपकी कुंडली ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर चलने लग जाती है। इसलिए हमें ऊपरी सप्तकों को फिर से लागू करना होगा, नष्ट करना होगा। अपने आत्मविश्वास के साथ अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें और यहां पर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 बार कहना होगा श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं, मां मैं स्वयं का गुरु हूं। ये बात आप 10 मतबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें। अब जान लीजिए कि आप ये शरीर मन बुद्धि अहंकार और संसार ये उपाधियां नहीं है, आप पूर्ण आत्मा है, आप शुद्ध आत्मा है। इस शुद्ध आत्मा को आपको मान लेना चाहिए, इसलिए अपना राइट हैंड अपने हृदय में रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। 12 मतलब कहें मां मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये परम चैतन्य ज्ञान का सागर है, प्रेम आशीष और आनंद का सागर है, पर सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। और आप कोई ऐसी गति नहीं कर सकते जो इस सागर में पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसलिए आप अपने को पूरी तरह क्षमा करें और अपना राइट हैंड गर्दन और कंधा के बीच के कोण में जहां तक पीछे ले जा सके रखें और गर्दन को राइट में खोले दो। ये चक्र तब पकड़ा जाता है जब आप अपने को दोषी समझते हैं, इसलिए यहाँ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मतलब आप कहें श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ।
इस तरह आप पूर्ण आत्मविश्वास पूरे बदलवा करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ आप माफ करें या ना माफ करें आप कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आप गलत खाते होंगे। तो जिन्होंने आपको बताया है उनके बारे में सोचना नहीं, उनका नाम मन में न आना, सिर्फ आपको सबको एक साथ क्षमा करनी है। और इसलिए अपना राइट हैंड आप अपने कपाल पर आ रखें और दोनों तरफ से कपाल दबाएं और यहां पर सच सागर अब आप कहना होगा हृदय के साथ न कि कितने बार पूर्ण हृदय से श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। ये आप अपने हृदय से कहें, ये न कि आप इससे बात करें पर पूर्ण हृदय से आप कहें, क्योंकि ये चक्र बहुत संकीर्ण है और अगर आपने क्षमा शक्ति नहीं कर दी तो कुंडलिनी नीचे ही रह गए। इसलिए पूर्ण हृदय से आप सबको एक साथ क्षमा करें। आप अपना सर के पीछे पीछे में ले जाकर सर के ऊपर की ओर उन्नत कर यहाँ पर अपने समाधान के लिए अपनी गलतियां न सीखते हुए अपने को दोषी न ठहराते हुए पूर्ण अभिनय से कहें न कि इतनी बार कहना है। ये पर कहते थे मैंने कहीं कोई गलती की हो तो उसे बयान क्षमा करो, हे पर मैंने कोई गलती की हो तो उसे कृपया आप क्षमा करो। अब आखिरी चक्र के लिए अपनी हथेली को काट और हथेली का दूसरा हिस्सा अपने ताली हाथ के रखें। अब गर्दन को तालू हाथ बराबर की स्थिति क्यों न रखें और गर्दन को इस तरह से छुपा कर अपनी उंगलियां बाहर की ओर खींचें। ये बहुत जरूरी है गर्दन पर। अब इस तरह मैं फिर से आपकी स्वतंत्रता का मार्ग आप गदन और मैं आपको जबरदस्ती आपके साक्षात्कार नहीं दे सकती, इसलिए आपको कहना होगा जब आप अपने हाथ के दबाव से काली हाथ को साथ न होगा अब घुमाएंगे घड़ी के काटे जैसे तब साथ न होगा आप करके श्री माता जी मुझे एक रुपया आपके साक्षात्कार की, माँ मुझे एक रुपया आपके साक्षात्कार की। सात चक्र आपको कहना होगा क्योंकि सात चक्रों के बीच हमारे सर है। अब दोनों हाथ इस तरह से उठा लें
अब राइट हैंड को मेरी तरफ करके इस तरह से और दादा जी का देखें कि इस ताबू पास से कोई गर्म या ठंडी हवा आ रही है, इसको लिवर की शिकायत हो या कोई और इस तरह की शिकायत हो तो गर्म ही हवा आती है, और अगर आपने क्षमा नहीं किया तब भी गर्म हवा, तो अभी आप क्षमा कर देखिए कि कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा, आप ही को अपना देना, मैंने कुछ कहने वाली आप कृपा दी अंदर से कुछ ठंडी हवा। अब लेफ्ट हैंड लीजिए पीछे गर्दन छुपाएंगे और देखिए राइट हैंड से ठीक ठंडी हवा आ रही है, किसी किसी को नजदीक आती है किसी के दूर आती है, पर सर पे हाथ नहीं रखना है आराम ना देखिए किसी किसी को बहुत दूर तक चेक किया गया बात, किसी किसी को नजदीक आती है मंद मंद, पर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आपको हाथ में लगेगी। अब एक बार फिर से राइट हैंड में लोड करें और सर झुका के देखें कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर करें और गर्दन को पीछे करके एक सवाल पूछे तीन बार, श्री माता जी जाए यही परम चैतन्य, तीन बार ये सवाल पूछे क्या श्री माता जी यही ब्रह्म चैतन्य है या श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है। मेरी ओर इस तरह से हाथ करें और चार मेरी ओर देखे और चार यही विचार है समाज जिन लोगों के हाथों या जिन लोगों की उंगलियों में या काली ठंडी या गर्म हवा है ऐसे सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अब देखिए आप सबके सब हो गए पास आप सब सत्य जनों को मेरा